को बिरयानी जब पकती है ना, कराची की बिरयानी मसाले वाली, भूख लगी हुई हो और बिरयानी खूब मसालेदार हो, बिरयानी का जो जायका है वो है किस चीज का, तो मसालों का जायका है अल्लाह के बंदो। तो जब भी बिरयानी लाया करे ना, खिलाया करे, तो जरा कड़क मसालेदार होनी चाहिए। बाकी सेहत गई तेल ले लें ऐसी की, तो वो बिरयानी खा रहा है तो खा ले दो ना तमीज से उसको। और बिरयानी के मसाले नुकसान नहीं देते, वैसे ये भी आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता। ढक्कन जब हटता है ना, देख का भूख लग रही हो, बिरयानी जो बनी है ना बादशाहों के महल में तैयार हुई है ये। पहले जमाने में जो ये मुगल बादशाह हुआ करते थे, ये हकीमों से कहते थे कि भाई ये चीज बना के लाओ, तो इनको सेहतों का बड़ा ख्याल होता था। तो ये चीज जब बनाओगे तो इसमें जो नुकसान आते हैं उसके तोड़ के लिए ये क्या करना है, तो हकीम लोग फिर ये कहते थे ये चावल चूंकि बादी होता है तो इसके बादीपन को खत्म करने के लिए ये मसाले। ये बड़ा जबरदस्त कॉम्बिनेशन है बिरयानी जो है, कि चावल का जो बादीपन है उसको खत्म करने के लिए हकीमों ने इसमें मसाले डाले थे। बिरयानी खाओ तो मसालों के साथ ही खाया करो, वरना फिर बिरयानी की तौहीन हमें बर्दाश्त। बोलो भाई, क्या क्या बताएं यार लोगों को यार।